अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही व बारिक वसल्लम वसल्ली अलैह। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर नाज़रीन, आपको पुरनूर सुबह नूर के साथ मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए बिला तवक्कुफ चलें हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमा की तालीफ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस मुबारक पढ़ने और सुनने की सआदत हासिल करते हैं। सैयदुना तारिक़ुस्सक़लैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार, दो भारी चीज़ें छोड़ने वाले। दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मैं तुम्हारे पास दो भारी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह ताला की किताब जो कि आसमान और ज़मीन के दरमियान फैली हुई रस्सी की तरह है, और दूसरी चीज़ मेरी इत्रत यानी मेरे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। दुनिया के तमाम मुसलमानों को, फ़र्श वालों को और अर्श वालों को मेरी जानिब से, 92 न्यूज़ की जानिब से और मेरे तमाम स्कॉलर्स की जानिब से हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत की बहुत बहुत मुबारकबाद। यानी नाज़रीन, आइए चलते हैं गुलशन सैयदा कायनात बीबी फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के उस हसीन तरीन फूल की बारगाह में, जो वाली खुरासा भी हैं, जो आइम्मा अहले बैत की शान भी हैं, जो आइम्मा अहले बैत के आठवें इमाम भी हैं, जो सिलसिला जुनैदिया और सिलसिला कादरिया के इमाम भी हैं, जिनको अल्लाह तबारक तआला ने बे इंतहा मकामात, बे इंतहा मनाजिल से और बे इंतहा रफ़अतों से नवाजा, कि जो इल्म के शाहकार बन के भी उभरे, जो मार्फत के शाहकार बन के भी उभरे, जो जोहद व तक्वा के शाहकार बन के उभरे, जो इबादात के भी शाहकार बन के उभरे, जो सब्र व रज़ा के भी शाहकार बन के उभरे, जो आजिज़ी और इनकिसारी के भी शाहकार बन के उभरे, जो फ़हम व फ़िरासत के भी शाहकार बन के उभरे, जो खौफ खुदा के भी शाहकार बन के उभरे और जो मुसावात के भी शाहकार बन के उभरे, यानी जो मौलाए कायनात के, अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा कि औसाफ़ हमीदा का एक मुकम्मल तौर पर चलता फिरता नमूना थे, कि अल्लाह तबारक ताला ने आपको ऐसे ऐसे औसाफ़ से और ऐसी ऐसी खूबियों से नवाजा था नाज़रीन, कि यकीनन वो आप ही का वस्ता, और क्यों ना होता, कि जिनकी सलेक्शन, ज़रा सोचिए कि अल्लाह तबारक तआला का क्या आप पर इनाम है कि आपकी वालिदा की सिलेक्शन खुद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में फरमाई। यानी क्या मकाम और मर्तबा अल्लाह ताला ने आपकी वालिदा को अता फरमाया कि ज़ोहद व तक्वा और इबादात जो हैं उसमें आप यकता नज़र आती थी। और फिर वालिद ग्रामी की बात करें तो जिनके, यानी सोचिए कि जिनके सर अकदस पर यह ताज सजा हो कि जिनके वालिद ग्रामी बाबुल हवाइज हों, यानी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हो, और इनके दादा जान यानी इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम, जरा सोचिए क्या मकाम और मर्तबा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने भी आपके लिए बिशारत हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को इस तरह से दी थी कि तुम्हें अल्लाह तबारक तआला एक ऐसी औलाद अता करेगा जो आलम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, तो मैं और आप उनके इल्म का या उनके मकाम का कैसे अहाता करेंगे साहब। यानी इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने देख लिया था, आपकी चश्मान मुबारक देख रही थी कि वाकईतन जो बिशारत मेरे बाबा जान ने मेरे बेटे के लिए, मेरे शहजादे के लिए दी है, मैं नहीं, वो इसी तरह से अल्लाह ताला ने आपको वो औसाफ अता किए थे, और इसीलिए आप बरमला खानदान वालों के सामने और उनके भाइयों के सामने इस बात का इजहार करते थे कि जो पूछना है इनसे पूछ लिया करो। और अल्लाह ताला ने आपको उन रिफतों से नवाजा कि सिर्फ 20 बरस की उम्र थी, नौजवानी थी, 20 बरस की उम्र थी, लेकिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यानी मस्जिद नबवी में आप तशरीफ फरमा हुआ करते थे और लोगों को हदीस की, फिक्र की तालीम दिया करते थे और फतावे दिया करते थे, यहां तक कि उस सरजमीन के बड़े बड़े उलमा और फुकहा जो हैं वो आपकी बारगाह में आकर जानू तलमस तय किया करते थे। और अल्लाह ताला ने नाजरीन आपको जो औसाफ अता किए थे उसमें फहम व फिरासत आपकी कमाल थी। यानी मामून के कई वाकयात ऐसे हैं कि जिसमें तारीख आज भी ये कहने पर मजबूर है कि आपकी फिरासत अपनी इंतहा को नजर आती है। और अल्लाह ताला ने आपको वो मकाम भी अता किया कि जहां नसबी फजीलतें आपकी औज कमाल पर, यानी सोचिए ना कि इनसे बड़ी नसबी फजीलत किसकी होगी
रफ़ी साहब कि जिनके अजदाद में मौलाए कायनात हो, जिनके अजदाद में सैयदाए कायनात हो, जो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनत से नवाजे गए हों, उनसे ज़्यादा नसबी फजीलत किसकी होगी। लेकिन इंकिसार का आलम यह था कि किसी भी वजह से आपको जो मामून की वली अहदी कबूल करनी पड़ी तो आप जाओ हशमत के दिलदादा न थे। यानी आलम यह होता था कि जब बादल का टुकड़ा गुजरता था तो वली अहद की जुबान से जुमला निकलता था कि तू जा, जहां भी जाए, जिस जगह भी जाए, जब तू बरसेगा तो उससे जो पैदावार होगी, उससे जो खराज होगा, वो खराज हम तक पहुंचेगा। यानी रोम फारस जो है उनकी सल्तनतें हेश नजर आती हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी बारगाह में जो आपके खुद्दाम होते थे, आपके दरबान होते थे, आप उनको साथ बिठा कर खिलाया करते थे, कालीन को नहीं बिछाया करते थे, प्रोटोकॉल नहीं रखा करते थे। यानी आलम यह होता था कि आप जो है वो खुद फरमाते हैं कि मेरे आबाओ अजदाद को जो शरफ हासिल हुआ है वो सिर्फ तकवा परहेजगारी और अतात खुदा की वजह से हुआ है। अल्लाह ताला ने सबको आजाद पैदा किया, सब आदम अलैहिस्सलाम हव्वा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद हैं, लिहाजा हमें फ़र्क क्यों करना चाहिए। ये आपका मकाम और मर्तबा और आपका इंकिसार था। आगाज करते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पहली शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन हैं, हमारे बुजुर्ग हैं मोहतरम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद खां साहब तशरीफ़ फरमाएँ। दूसरी शख्सियत मुमताज़ स्कॉलर जनाब डॉक्टर शब्बीर अहमद जामी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। तीसरी शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन जनाब अल्लामा मोहम्मद अशफाक मदनी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। तीनों अब आपको अस्सलाम वालेकुम खुश आमदीद। और आखिर में मुल्क के मुमताज़ शनाखा जनाब हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब मनकबत का नजराना पेश करेंगे। आपसे आगाज़ करते हैं प्रोफेसर साहब, गुलशन सैयदा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की फूल और सिलसिला आइम्मा अहले बैत में सिलसिला ज़हब में आठवें इमाम, उनकी नसबी फजीलत और जो आपकी विलादत से पहले बिशारत और बिशारत भी क्या खूब बिशारत, फिर वालिदा का मकाम और मर्तबा, उनका ज़ुहद तक़वा और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने जो आपको ये फजीलत अता की कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के आप लाड लें, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाह बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब इकबाल साहब, इंतहाई खुश नसीबी है इस वक्त के हमारी ज़ुबानों पर फलक इमामत के आठवें सितारे का मुबारक नाम आ रहा। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया कि नस्बी ताल्लुक जो है, कौन है इस रूए ज़मीन पर कि जिसकी ज़ुबान इस नस्बी ताल्लुक के बयान करने का हक अदा कर सके। यकीनन कि जिनको नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि अली लहमो का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी, अल्लाह तेरा खून मेरा खून है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, अल्लाह तेरा लहू मेरा लहू है, अल्लाह। और इस निस्बत को कुरान की रोशनी में अगर हम देखें तो अल्लाह करीम फरमाता है ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह कि जिन चीज़ों की निस्बत सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों से हो गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे कुरान करीम का हिस्सा बना दिया और उसकी अजमत की कस्में खाएं। सुभान, तो ये तो पैगाम आले इतहार के अमीन हैं। ये तो अली मुर्तज़ा करम अल्लाह वजह यानी उलूम नबुव्वत और उलूम विलायत के हकीकी वारिस सैयदना इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। सुभान, और पोते किन के हैं जो एक वक्त में 500 उलूम का दर्स दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, यहाँ उलूम की बुलंदियाँ इतने उरूज पर हूँ, उनमें सैयदना इमाम अली रज़ा जिनके लिए नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि जाफिर अपने बेटे मूसा काजिम का निकाह नजमा से करना। अल्लाहु अकबर। अब एक तो यहाँ पर बड़ी अहम बात जो आज के अहले इल्म ये कहते हैं कि जनाब नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक और आपके निस्बत, हमें तो ये नज़र आता है कि अहले बैत इतहार रिदवानुल्लाह अलैहि मजमईन कदम कदम पर रोज़ रसूल से रहनुमाई उन्हें खुद ब खुद नसीब हो रही है। सुभान अल्लाह। कोई भी बात होती है वो रोज़ रसूल पर हाजिरी देते हैं, हर बात का उनको वहाँ से जवाब मिल रहा है। अल्लाह। अब एक ऐसी खातून
जिनके शिकम अतर से अल्लाह ताला फलक के इमामत के इस आठवें सितारे को दुनिया में लाना चाह रहा है, उनकी के लिए सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम जाफिर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दें कि तुमने अपने बेटे का निकाह फलां औरत से करना है, उस औरत का कितना मकाम होगा, किन बुलंदियों पर पहुंचेगी, और फिर वो खुद बयान करें कि जब ये मेरे शिकम में थे जूं ही मैं लेटती थी मेरी आंख लगती थी, मेरे कानों में तस्बीहात का तहलीलात का गलगला होता था। अल्लाह, यानी सरकार अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में तशरीफ ला के इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ौजा को मतलब ये हुक्म दिया और फिर उन्होंने बशारत दी। सुभान, खुद सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु, जैसे आप भी जिक्र फरमा चुके कि उन्होंने अपने बेटे मूसा काज़िम को ये बशारत दी कि ये बेटा आल मोहम्मद का अमीन होगा और आलिम होगा, और फिर सैयदना मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र अगर हम ज़ुबान पर लाएं तो सामने बात आती है कि आप इल्म व हिकमत से मुज़य्यन हैं, मार्फत इलाही के शाहकार हैं, ज़ुहद व तक्वा के पैकर हैं, जूद व सखा के बहरे बेकनार हैं, और आप वारिस इल्म नबुव्वत और पैगाम आले इतहार के अमीन के तौर पर जाने जाते हैं, और आपने भी लफ्ज इस्तेमाल किया बाबुल हवाइज। सैयदना मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में खतीब बगदादी जैसे और दीगर बड़े बड़े उलमा कहते हैं कि अगर किसी की मुश्किल पेश ना हल ना हो रही हो, ये कौन कह रहे हैं, उलूम के आसमान, उलूम की बुलंदियों पर लोग, यानी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जैसा इंसान ये कहे कि मुझे जब कोई मुश्किल पेश आती है मैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की ज़ियारत का इरादा करता हूँ, अल्लाह मेरी मुश्किल हल कर देते हैं। और सैयदना मूसा काज़िम जिनके सितारे का, जिनके रोशन बाप का आज हम ज़ुबान पर जिक्र ला रहे हैं, सैयदना इमाम अली रदा, उलमा कहते हैं कि अगर किसी की मुश्किल हल ना होती हो वो इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ार पर जाकर अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मुश्किल को आसान कर देते हैं। वो सिर्फ ये नहीं है कि इल्म व अमल के पैकर थे, बल्कि उन्होंने अपने अमल से कायनात के अंदर उस वक्त जो इनकलाब बरपा किया और लोगों को जिहाद का मरकज बने, उनमें से एक सैयदना इमाम। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और ये डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू प्रोफेसर साहब ने फरमाई, बड़ी आइडियल सिचुएशन ये होती है कि नसब भी कमाल हो और फिर किरदार भी जो है औजे कमाल पर हो, और ये इम्तिजाज हमें ज़ाहिर आइम्मा अहले बैत नज़र आता है, पूरे सिलसिले में नज़र आता है। आप जो अलकाबात आपके हैं, ज़रा उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाइए कि जो जिन अलकाबात, ज़ाहिर अलकाबात एक्चुअली वैसे तो शख्सियत के रिफ्लेक्शन होते हैं, लेकिन वो हस्तियाँ होती हैं ख़ास तौर पर जब आइम्मा अहले बैत की हम बात करते हैं तो अलकाबात तो मतलब आपके बारगाह में जो हाथ जोड़े खड़े नज़र आते हैं, आपकी तालीम व तरबियत जिन हस्तियों के साये में हुई, और ख़ास तौर पर जो जानशीनी का मामला, ये जो कबल अज़ वक्त इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने अनाउंस फरमाया उसके बारे में भी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत हदीस भी आपने शुरू में फरमाई कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की रहनुमाई के लिए जो एक पैटर्न सेट फरमाया ना, उस पैटर्न में दो तरह की हदीसें मिलती हैं। एक तो आपसे पूछा गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये फरमा जाएँ आपकी उम्मत हिदायत पर कब फैज रहेगी, तो आपने फरमाया कि जब मेरी उम्मत किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत पर चलती रहेगी। फिर उसके साथ ये भी फरमाया कि जब मेरी उम्मत किताबुल्लाह और मेरे अहले बैत का दामन थामे रखेगी तो वो हमेशा हिदायत पर रहेगी। अल्लाह, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं उनके अलकाबात का तायुन आप और मैं कैसे कर सकते हैं जिनको दीन के बाब में एक पिलर के तौर पर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुतारिफ कराया। अगर मैं सादा जुमला कह दूं, दीन इस्लाम तो बुनियादी तौर पर एक नज़रिए का नाम है, ठीक है, अब उस नज़रिए पर अमल करके दिखाने वाली शख्सियात का नाम क्या है, तो उनका नाम है अइम्मा अहले बैत। अगर आप पूरा दीन इस्लाम कामिल तरीके से समझना चाहते हैं तो आप अइम्मा अहले बैत अथार की शख्सियात को पढ़ लें, एक एक हुस्न पारे को देख लें, तो आपको इल्म का, मार्फत का, तकवे का, ईमान का वो सारा हकीकी रंग नज़र आएगा
जो दीन इस्लाम में लिखा पड़ा है। सुभान अल्लाह, तो इसलिए हजूर ने फरमाया था कि मेरे अइमे अहले बैत को जरूर थामे रखना, तुम हिदायत पर कायम रहोगे। हाँ, ये शर्त है। इसलिए इन तमाम अइमा का जो पहला लकब रहा वो था हादी। सुभान, यानी अगर आप इनकी तरफ रहेंगे, इनसे वाबस्ता रहेंगे, तो आप हमेशा हिदायत पर रहेंगे। सुभान, ये आपकी हिदायत फरमाएंगे। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हिदायत की दो सूरतें होती हैं। एक हिदायत तो ये कि हादी आपके सामने बैठा है, ठीक है। एक बाज़ औक़ात हिदायत ये होते है हादी सामने तो नहीं बैठा, लेकिन हिदायत की किरणें आपकी तरफ आती रहेंगी। तो जुनेद साहब, आप यकीन माने, ये हम सिर्फ प्रोग्राम नहीं कर रहे, अब भी उनकी रूहानियत की तरफ से हिदायत की किरणें हमारी तरफ आ रही हैं। यकीनन, हम उनके जेरे साया ही गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका तज़किरा खैर कर रहे हैं। यकीनन, यूं कहिए कि उनका जिक्र करके हम उनके रूहानी ऑर्बिट के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दाखिल हो रहे हैं, बिल्कुल। दूसरा, आपने देखे कि उनका बड़ा लकब जो मशहूर था वो था रजा। और रजा इल्म और मार्फत का सबसे आखिरी नगीना है। अल्लाह, साहिब किताब उलुमात जिनको दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, औलिया के अंदर यह है ताऊसुल औलिया। सुभान अल्लाह, यानी औलिया में मोर का दर्जा रखने वाले खूबसूरत वली। उनसे जब पूछा गया जनाब मकाम रजा पर फैज बंदा कौन होता है, उनका सबसे पहले वो तौबा के दर्जे में कामिल होता है। सुभान अल्लाह, फिर वो बंदा तकवा में कामिल होता है। फिर वो बंदा जोहद में कामिल होता है। सुभान अल्लाह, फिर वो बंदा फकर में कामिल होता है। सुभान अल्लाह, फिर वो बंदा सबर में कामिल होता अल्लाह है। फिर वो बंदा तवक्कुल में कामिल अल्लाह होता है। तब जाकर उस बंदे को मकाम रजा मिलता है। अल्लाह अकबर। अगर कोई बंदा यह चाहता है कि इमाम अली रजा का हमें फैज मिले, तो उनकी छतरी के तहत आने वाले इन तमाम औसाफ से वाबस्ता होने की कोशिश करें। अल्लाह, जुनेद साहब, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, हम सिर्फ लकब सुन तो लेते हैं लेकिन उस लकब से वाबस्ता सीरत और किरदार का फैज कैश नहीं करते, ताकि उनकी तरफ से हमारी सिर्फ नस्बत लकबी और जाहिरी ना हो, बल्कि हमारी उनसे ताल्लुक बातनी और रूहानी भी कायम रहे। क्या अच्छा, क्या अच्छा। यानी बात वही है, जब उस कोर्ट को हम खोलें तो हमें पता चलेगा कि इतनी कायनात उस कोर्ट के अंदर मौजूद है, उसके अंदर मौजूद है। फिर आपने देखा कि आपका लकब हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इमाम जाफिर सादिक ने इमाम मूसा काजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि आपका आने वाला बेटा इमाम अली रजा आलम आले मोहम्मद। अल्लाहू अकबर। अच्छा, जुनेद साहब तखमीना लगा, ये लफ्ज क्यों कहा गया? हो सकता है कि ये लफ्ज इसलिए भी कहा गया कि उस वक्त इल्म का एक गलगला होगा, इल्म का एक माहौल होगा, इल्म की जगह पर बड़े बड़े लोग विराजमान होंगे, लेकिन उनमें इमाम अली रजा एक सूरज बनकर चमकते हुए नजर आएंगे। आए हाय, लोग इनसे रहनुमाई लेंगे। आए हाय, जैसे आपने फरमाया कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के सामने बैठकर उन्होंने जिस तरह हदीसें पढ़ाई, जिस तरह फिका पढ़ाई और लोगों का वो मर्जा बने रहे, ये बिल्कुल वही रंग था जो इमाम जाफिर सादिक का। एग्जैक्टली, उसको भी आपने रिवाइज किया। उसके बाद आपने देखा कि हजरत इमाम मूसा काजिम, आपको चूंकि तरबियत वहाँ से बहुत ज़्यादा थी, तो फिर वो ये देख रहे थे कि मैं अपने इस साहिबजादे के बारे में बकायदा जान नशीनी का प्रॉपर ऐलान करके जाऊं। इससे आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे अइमे अहले बैत को अल्लाह ताला ने बसीरत और अमूर गैबिया पर कितनी इतला दे रखी थी कि बाद में जो मसला उलझ सकता था जी जी जी, तो पहले आपने समझा दिया। उसको 17 बंदे मोतमद बुलाकर आले अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से और फिर वहाँ के मोतबर लोगों की गवाहियाँ लेकर इमाम अली रजा का बाकायदा तायुन और तकर्रुर मजले से आम में करके गए, और ये ताकि बाद में आने वाले मसाइल में एक तवाजुन और एतदाल रहे। ये देखिए, ये जाहिर इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की निगाह देख रही थी, क्योंकि जाहिर हारून रशीद ने जो कुछ भी शुरू किया और फिर जाहिर आपकी जो शहादत होती और फिर दीगर जो मामलात मतलब हुए, तो ये बहुत ज़रूरी था कि उस वक्त अनाउंस कर दिया जाता, और ये फिर तारीख ने देखा कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अच्छा,
جو علمی مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اس کو ذرا اور بات کو کھولیں. اور ایک بات جو میں خاص طور پہ دیکھتا ہوں کہ جب آپ اکابرین امت کی بات کرتے ہیں تو اکابرین امت نے جس چاہ کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اور جس ادب کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا ہے، وہ بھی اپنی جگہ بڑا کمال ہے. بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام الہدا، منبع جود و سخا، وارث علوم مصطفیٰ، جانشین مرتضیٰ، جامع کمالات علمیہ و روحانیہ، عارف اسرار و رموز قرآنیہ، سبحان اللہ، حضرت امام علی رضا نے جہان علم و فضل اور دنیائے شرف و کمال کو اپنے وجود کے ساتھ افتخار بخشا ہے، سبحان اللہ. اور یہ جو دوسری اور تیسری صدی ہے یہ علمی جنگوں کی صدی ہے، اور ان علمی جنگوں میں حضرت امام علی رضا بن موسیٰ کاظم نے وہی کردار ادا کیا جو ان کے دادا حضرت شیر خدا نے جنگوں میں کردار ادا کیا. سبحان اللہ. یعنی جب بھی کوئی بھی علمی مشکل پیش آئی ہے دنیا اسلام کو، اس کے اندر علمی میدان میں، کہ جب اسلام کو جھوٹے دلائل کے ساتھ جو ہے وہ جھٹلایا جا رہا تھا اور اسلام کے اوپر قدغن لگ رہی تھی، اس وقت سچائی کا اور علم کا اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے والی ہستی کا نام حضرت امام علی رضا ہے. کہ جب بڑے بڑے لوگ آ کے مشکلیں جو ہے نا وہ کھڑی کر رہے تھے، تو آپ اگر کوئی توریت والا آیا ہے تو اس کو اس کی کتاب میں جواب دے رہے ہیں، کوئی زبور والا آیا ہے تو اس کو اس کی کتاب سے جواب دے رہے ہیں، کوئی انجیل والا آیا ہے تو اس کو اس کی جو ہے نا وہ زبان میں جواب دے رہے ہیں. آپ علم و فصاحت میں وہ کمال رکھتے تھے، کوئی جملے جیسے پیش کرتا تھا مقابل میں کئی گنا بھاری جملہ ان کی طرف سے سامنے آتا تھا. ایک دفعہ مامون کا خادم یاسر آپ کے دربار میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ حضور، دربار میں ایک بہت بڑی پرابلم کھڑی ہو گئی ہے. ایک جو ہے نا وہ پادری آ کے اس نے سوالات کھڑے کر دیے ہیں اور وہ علم کلام سے ایسے گفتگو کر رہا ہے کہ کوئی بھی اس کو جواب نہیں دے پا رہا ہے. آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے خادم حسن بن سہل نوفلی نے کہا کہ حضور، وہ مغالطوں سے کام لیتا ہے، قرآن کو نہیں مانتا ہے، حدیث کو بھی نہیں مانتا، کہ ہم جب آپ کے نبی کو نہیں مانتے تو آپ کے قرآن اور حدیث کو کیسے مانے. تو وہ یہ جب بات کرتا ہے تو سامنے والا خاموش ہو جاتا ہے. دیکھیے دربار سجا ہوا ہے، وزراء بیٹھے ہیں، دنیا کے جو ہے نا وہ علم و حکمت کے شہنشاہ بیٹھے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ آپ فیصلہ کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ ہلکی سی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور فرمانے لگے کہ میاں، اگر ہم اس کو تورات سے جواب دیں تو کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ، کیا اللہ اکبر. خادم مسکرا دیا اور پھر آپ نے یہ کہنے کے بعد کہا، ہم ہر ایک کو اس کی کتاب سے جواب دینا جانتے ہیں. ساتھ ہی کہا لا حول ولا قوت، یہ ہے بات، یہ ہے بات، سبحان اللہ. ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ ساری طاقتیں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ سارا فنون کے اوپر قدرت اللہ کی طرف سے ہے. آپ وہاں پر مامون کے پاس پہنچے اور وہاں جیسے ہی اس بندے نے آگے سے کلام کرنا شروع کیا تو اس نے یہ ایک بات یہ کہی، کہا کہ مجھے بتائیے، ہماری جو شخصیت ہے یعنی حضرت عیسیٰ، وہ اتفاقی شخصیت ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. آپ کی جو شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اختلافی ہیں، یعنی آپ تو مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں، تو بتائیں پھر افضل کون ہوا، اتفاقی شخصیت افضل. اللہ اکبر. فوراً جواب دی حضرت امام علی رضا نے، وہ وہاں علم کے پہاڑوں کے اوپر جو شہنشاہی کرنے والی ہستی تھی اور جن کے علم کی گواہی ان کے دادا حضور نے دے دی تھی، انہوں نے کہا کہ میاں، ہم تو اس حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں جس نے یہ کہا ہے کہ آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، ہم تو اس حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں. اور تم دیکھ لو تمہاری انجیل کے اندر، اور تم جو ہے نا اس کو پڑھ لو اور پھر پڑھ کے سنایا بھی کہ فلاں فلاں باب کو کھولو اور وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے. وہ خاموش ہو گیا اور اس کے بعد آپ فرمانے لگے اگلی بات، اور اس کے عقیدے کا توڑ کیسے کیا. کہا کہ میاں، حضرت عیسیٰ تو روزے بھی کم رکھتے تھے اور وہ نمازیں بھی کم پڑھتے تھے. یہ بات جب کہی، کہا نہیں نہیں نہیں، وہ تو ہر وقت جو ہے روزہ رکھتے تھے اور وہ نمازیں بھی کثرت سے پڑھا کرتے تھے. تو امام علی رضا نے آگے سے کہا کہ میاں، وہ روزے کس کے لیے رکھتے تھے، روزے کس کے لیے رکھتے تھے اور نمازیں کس کے لیے پڑھتے تھے؟ یا الوہیت کا جو عقیدہ حضرت عیسیٰ سے جڑا ہوا تھا، عبد اور معبود کا تصور اس کو بھی توڑ دیا. وہاں اس نے جاسلیک نے کہہ دیا کہ میں نے بڑے بڑے علم والے دیکھے ہیں، فن والے دیکھے ہیں، قدرت کلام والے دیکھے ہیں جن کو کلام پہ قدرت ہے، لیکن اے امام علی رضا، میں نے آپ جیسا بندہ نہیں دیکھا ہے جس کے سامنے الفاظ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. یہی بات تو پھر حضرت علامہ عبد الرحمن جامی نے ارشاد فرمایا،
फरमाते हैं, हजरत इमाम अली रजा के जमाने को उठा के देखो, उसमें कोई भी शख्सियत हजरत इमाम अली रजा के बराबर खड़ी नजर नहीं आती है। और फिर हजरत अब्दुर्रहमान जामी इरशाद फरमाते हैं कि इनकी हर बात हिकमत से भरी हुई, इनका किरदार महफूज अनिल खता, और इनका हर अमल सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला था। और फिर इब्राहिम बिन अब्बास ने यह बात कही कि हमने अपने जमाने में इमाम अली रजा जैसा आलिम दीन नहीं देखा है कि इल्म जो है ना उनके सामने नाज किया करता था। हजरत इमाम अली रजा बिन मूसा काजिम वो हस्ती हैं कि उन्होंने अपने दौर में बड़े बड़े फितनों का कला कमा किया, उन्होंने इल्म के मैदान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की वो खिदमत की कि आज उम्मत उनकी मकरूज है, उनकी गुलाम है, उनकी खादिम है। जो आलिम इमाम अली रजा को नहीं मानता उसका इल्म फितनों का इल्म है, वो आलिम ही नहीं है, वो मुफ्ती ही नहीं है। जिसने उनको माना हकीकत में इल्म का नूर उन्हीं को मिला, क्योंकि वो इमामुल हुदा थे। और जो हिदायत चाहता है वो इमामुल हुदा के पीछे चलेगा तो उसको हिदायत मिले। क्या कह, और देखे ना खल्के कुरान का जो फितना उठा या तकदीर का जो मामला उठा, आप ही ने उस उम्मत को जो उसका हल दिया। इसीलिए तो नाज़रीन वो है ना दो मिसरे के, शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली और किसी में बुए रसूल। दुरूद पाक सरकार की बारगाह में और उनके आल की बारगाह में पेश कीजिए। लौट के इंशाअल्लाह आपको बतलाते हैं कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का जो फैज़ान है ये तसव्वुफ़ के सलासिल में किस तरह से पहुँचा, और ख़ास तौर पर हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह का जो ईमान लाने का वाक़ है वो कितना कमाल है, और सिलसिला जुनैदी और सिलसिला कादरिया इन दोनों सलासिल को जो फैज़ान हासिल है वो किस तरह से इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से हासिल है। दुरूद पाक पेश कीजिए। जनाब एक बार फिर आपको खुश आमदीद। मौला कायनात मौला अली करमलाजुल करीम के नूर नज़र सिलसिला आइम्मा अहले बैत यानी सिलसिलतु ज़हब, जिसे हम सुनहरी कड़ी कहते हैं, सुनहरी लड़ी कहते हैं नाज़रीन, उसके आठवें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम मिलकर हदाए पेश करें। मुझे यकीन है कि आप इंशाल्लाह हमारे साथ रहेंगे। आपका फैज़ान जहाँ ज़ाहिर है इल्मी तिश्नगी मिटाने के लिए आपके सामने कासा लिए खड़े तमाम उलमा तक पहुंचा, वहाँ ये है कि आपका फैज़ान जो मारफत और सलूक की राह के मुसाफिर थे उन तक भी पहुंचा, और ख़ास तौर पे दो सलासिल जिन्हें आप सिलसिला जुनैदी और सिलसिला कादरिया कहते हैं सिलसिला तरीक़त में, उन तक आपका फैज़ान पहुंचा। तो मैं चाहता हूँ ज़रा इस पर गुफ्तगू कीजिए, और ख़ास तौर पर जो मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह की ईमान लाने का वाक़ बतलाइए ज़रा। मोहतरम जुनैद इकबाल साहब, आपने सिलसिला ज़हब की बात की तो जो आँख वाले हैं जिनको नज़र आता है, जो देखने की सलाहियत रखते हैं, जिनके दिलों की खिड़की खुल जाती है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते हैं कि ये वो प्यारा सिलसिला है कि आप इमाम अली रज़ा से मूसा काज़िम जाफ़िर सादिक इमाम बाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन इमाम अली अल मुर्तज़ा और उस आका अलैहिस्सलाम तक जाएं, सिर्फ ये नाम सनद के लेकर किसी मजनू पर दम कर दें उसका जुनून जाता रहे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। अब निस्बत की बात है, और ये मेरा ख्याल है इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की बात करता हूं, मतलब बात ही खत्म, इमाम अहमद बिन हंबलियों के पेशवा है, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह और याहिया मईन मुहद्दिस इनके मारूफ करखी के दरवाजे पर आया करते थे, आए हाय ये यहाँ चक्कर लगाया करते थे, फैल लिया करते थे। बताइए, और मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह को आप सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह तक जो तमाम सलासिल अपना ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करते हैं उसके पीछे फलसफा ये है कि वो ये समझते हैं कि इस प्यारे नाम की बदौलत हम इमाम अली रजा तक पहुंच जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। अब सैयदना हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह का जो एक शर्फ है
जिन पर इब्ने जौज़ी उनके मनाकिब पर किताब लिख रहा है और जो जामे सगीर और जामे कबीर के शारे हैं, खुद मारूफ करखी इल्म की बुलंदियों पर फायज हैं। दाऊद ताई के साथ उनका ताल्लुक जो है वो इल्म की बिना पर इन बुलंदियों को छू रहा है कि हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब मैं बात करता हूँ सैयदना इमाम मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह को ये शर्फ कैसे मिला। हाँ बताइए। वो एक नसरानी ख़ानदान के फ़र्द हैं, उनका वालिद फिरोज़, उनका दादा मिर्ज़बान, लेकिन ये शुरू से इस्लामी तालीमात को और इस्लाम से मुतल्लिक नौजवानों को देखते तो उनके साथ मिलजुल कर रहते। जब पढ़ने के काबिल हुए तो इन्हें एक ईसाई रहब के पास, आलम के पास डाला गया। अब उसने शुरू में ही एक बात ऐसी की, उससे ने कारखी से पूछा तुम घर में कितने आदमी हो, तो आपने कहा एक मेरा बाप, एक मेरी माँ और एक मैं। तो इस पर उसने अपनी बदनीयती, जो बदअकीदगी उन्होंने खुद अपने तौर पर सालिस व सलासा की वाजे कर रखी है, तो करखी को मुखातिब करके वो कहने लगा कि इससे बात साबित हो गई कि सालिस व सलासा आप तीन में से तीसरे हैं। आपने फरमाया नहीं, गलत कह रहे हो, वल्लाहुल अहद, अल्लाह एक है, वो सालिस व सलासा का। अब उस पर उसने बड़ा जोर लगाया आपको कायल करने पर, ना हुआ तशद्दुद किया, ना काम बना, माँ बाप को बुलाया, कैद किया। आपने ये सारी मशक्क़तें बर्दाश्त की मगर अल्लाह अहद का कलमा आपने तर्क नहीं किया। आखिरकार जब आपको मौका मिला आप घर से चले गए और जाकर इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के दामन से वाबस्ता हो गए। ठीक। अब वालदैन का इकलौता बेटा था। ठीक। वो तड़प रहे हैं लेकिन उनको क्या मालूम था कि कुदरत ने मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह को शोहरत की जिन बुलंदियों पर पहुंचाना है, जो उलूम में, मार्फत में, उलूम में, दीनिया में, जिन बुलंदियों पर उनको पहुंचना है वो तो उस बारगाह में पहुंचे हुए हैं। उन्होंने खूब इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से इल्मी तौर पर भी, अमली तौर पर भी अपने अंदर वो सलाहियतें पैदा कं। और उसके बाद जब उनके वालदैन यानी बेकरार हुए तो कहने लगे कि किसी तरह हमारा बेटा आए, अभी बेटा घर के बाहर होगा, हम उससे पूछेंगे किस दीन पर हो तो हम खुद बखुद उस दीन को कबूल कर लेंगे। अल्लाह, इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की बदौलत एक तो पूरा खानदान इस्लाम की दौलत माला। सुभान। अब आते हैं कि ये जो सलासिल हैं और आज शरीयत में, तरीकत में मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह की हकीकत को जानने वाले उनके नाम से अल्लाह की जो रहमतें लूटते हैं उसका सबब क्या है। बहुत सारी वजूह होंगी लेकिन मैं एक बात को लेकर जब मैंने इन चीज़ों को पढ़ा तो दम बखुद रह गया कि नस्बत इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना एक नालैन पाक ग़ुलाम को दिया। उस ग़ुलाम के पास उस नालैन पाक को लेकर देख कर मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह ने 100 ऊँट सामान समय देकर ख़रीद लिया। अल्लाह। और ख़रीदने के बाद उन्होंने उस नाले पाक को अमामे में लपेट कर सर पर रख लिया। अल्लाह। अगर सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर। अब हो सकता है कि मेरी इस बात को कोई समझ न सके लेकिन मैं कुरान की रोशनी में समझता हूँ कि हमारा वो रब, हमारा खालिक व मालिक अपने बंदे को जो अज़मतें अता कर रहा है उस नस्बत की बिना पर जिस पत्थर को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम चूमने का शर्फ हासिल होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पत्थर को वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला के तौर पर कितना मर्तबा दे देता है। और इसी तरह पानी वो जो हज़रत इस्माईल की एड़ियों से लग जाए उसको अल्लाह के यहाँ क्या नस्बत मिल जाती है। अब हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ अकीदत और मोहब्बत के इस शर्फ को अपने अंदर समोया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इतना अजमतों से नवाजा कि जितने भी सलासिल हैं आपकी तरीकत के तौर पर आए श्री सक़ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके आगे इमाम जुनैद रज़ियल्लाहु अन्हु, इस बिना पर सैयदना हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह अली रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ नस्बत की
बिना पर नेमतुल्लाही हूँ, नूर बख्शी हूँ, नक्शबंदी हूँ, सख्तियान हूँ, जुनैदियान हूँ, ये सारे सिलसिले हज़रत इमाम मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह के साथ इसलिए जाकर मिलते हैं कि वो इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मंसूब हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इल्मी कबील नहीं बल्कि वो जो इरफानी कबील है, या यूँ कहिए कि जो मारफत की राह पर चलने वाली कबील है, उनको भी फैजान इमाम अली रज़ा अलैहि सलाम से ही पहुँचा। अच्छा, अब आइए ज़रा जो एक बड़ा ही अहम मामला, और ये मामला ऐसा है कि वो जो रंगे मौलाए कायनात है, इस सवाल में वो उगदा भी खुलेगा कि रंगे मौलाए कायनात किस तरह से आपकी हस्ती के अंदर छलकता था। कि हारून रशीद की जब हम बात करते हैं तो ज़ाहिर है उसने जो कुछ भी जुल्म व सितम किया वो तो तारीख में अपनी जगह है, और नतीजा ये निकला कि फिर जब बेटों की बात आती है मामून की और अमीन की, तो एक ख़ास रस्सा कशी जो है वो शुरू उनके दरमियान हुई थी इख्तदार के हवाले से, उस पर ज़रा गुफ्तगू आप कीजिए। और जब किसी भी वजह से आपको मामून की वली अहदी को कबूल करना पड़ा, तो जो यानी इतनी जाहो हशमत, इतनी बड़ी एम्पायर होने के बावजूद वो जो तर्ज ज़िंदगी था वो रंगे मौलाए कायनात था पूरा, ज़रा बतलाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने आइम्मा अहले बैत को जो जामईयत अता फरमाई थी, आपने उनके इल्म और मारफत की ज़ूफ़शानियत तो सुन ली हैं, ज़रा उनके अंदर हिकमत, उनके अंदर तदब्बुर, उनके अंदर मामला फहमी और उनके अंदर उम्मत की बका के लिए इकदाम पसंदी, ये बाज़ूकात इतने खूबसूरत पहलू हैं कि दाद देना पड़ती है कि ये सारे माहौल को जानते हुए भी इतनी कुर्बानी दी ताकि ये एक कश्ती जो रवां चल रही है किसी बड़े भंवर में फंसे बगैर मंजिल मुराद की तरफ चली जाए। जैसे आपने कहा कि हारून रशीद के ज़माने में उनके बेटे अमीन और मामून के दरमियान सियासी कश्मकश शुरू हो गई। ठीक है, ये जो अमीन था वो चूँकि अरब ख़ानदान से उसकी वालदा थी तो वो चाहती थी कि ये मेरा बेटा जानशीन बने। मामून जो था वो किसी कनीज का बेटा था अजमी, और हारून की तरफ से था, तो उनका ध्यान ये था कि जो दरबार में अजमी लोग थे वो कहते थे ये उनकी तरफ से बने, और दरबार भी दो हिस्सों मुनकसिम था, दो अरबियों और अजमियों के दरमियान। हारून और रशीद ने यह हिकमत अमली अगर ज़रूर अख्तियार की थी कि अरबों के सारे इलाके अमीन को दे दिए और अजमियों के सारे इलाके मामून को दे दिए। ओके, और इनकी चार साल की शदीद रशा कशी के बाद आखिरकार मामून जीत गया और अमीन को वो गोशे अदम की तरफ जाना पड़ा, गोशे अदम की कत्ल कर दिया ना, कत्ल कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब मामून ने देखा कि अरबों को अपनी तरफ कैसे मैल किया जाए, ओके, तो उसने एक सियासी हिकमत अमली अख्तियार की कि मैं अरबों को अपना हम नशीन जितना भी बनाने की कोशिश करूं तो आले अब्बास शायद मेरे साथ न खड़े हों, तो आले अब्बास जिनका सहारा लेकर बैठे हैं अगर उनका फर्द आज़म अगर मेरे दायरे ताल्लुक में आ जाए तो ये काम बड़ा मजबूत हो जाएगा। यानी वो जो उमवियों के मुकाबले में हुब अहले बैत का नारा वो लगा के आए थे, फिर उन्होंने उनसे ज्यादा मतलब माज़ल्ला सितम किया, तो वो जो हुब अहले बैत का नारा है उस पर्सपेक्टिव में जो है वो इमाम अली रज़ा अलैहि सलाम, हाँ, मामून उस तनाज़ुर में लेकर आया। बल्कि मामून ने एक साजिश ये भी की कि जब मेरी अमीन के साथ लड़ाई चल रही थी उस वक्त मैंने एक नज़र मानी थी, नज़र ये मानी थी कि ये इक्तदार के जो अहल हैं मैं इक्तदार उनकी तरफ मुंतकिल कर दूंगा। ठीक है, और उस वक्त चूँकि इक्तदार के असलन अहल ज़ाहरी और बातनी क़यादत के अहल आइम्मा अहले बैत थे, तो इमाम अली रज़ा की तरफ इशारा था कि मैंने नज़र मानी थी कि अगर मैं ये जंग जीत गया तो मैं इनको वली अहद भी बनाऊंगा और अगला उम्मत का मुत्तफिका हुक्मरान और खलीफा आप होंगे। उसने गोया कि ये चाल इतनी टेक्निकल अंदाज से चली कि लोगों को समझ ना आया और इमाम अली रज़ा को अपनी ताईदात में जबरन लेकर वो कामयाब जब हुआ तो आले अब्बास यहाँ सिलेंडर कर गए। उसके बाद ये मजीद आगे मामला न चल सका तो मामून को अपनी तमाम रियासत के अमूर को संभालने में एक सहूलत मिल गई। लेकिन एक बात और हुई कि वो चूंके जाहिर है
ये नूरानी खून जो है वो हक ही की बात करता था, तो फिर आमामू ने समझ लिया कि यह मामला वो सरकारी सतह पे नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है ना, यानी वो आप वली अहद के तौर पर तो आ गए, हाँ। लेकिन उसको ये भी अंदाजा था कि ये हक का खून है, हाँ। ये हमेशा एहका के हक करते हैं, यहाँ जुल्म तादी की कोई सूरत रवा नहीं रखी जाएगी, तो आपको वली अहद तो बना दिया लेकिन आपको अख्तियार तो कोई भी ना दिए, लेकिन वली अहद के तौर पर जो आपके साथ चंद चीज़ें वाबस्ता थी वो बताइए, सखावत के मुजाहरा और फिर उसके अलावा लोगों के साथ आपका मेल जोल और लोगों के साथ आपका बर्तावा, तो वो तो तारीख ने उनको जिन सुनहरी हरूफ में जब्त किया है और शब्द किया हुआ है वो तो ये है कि जब आपको मजलिस में देखा गया तो आप आम लोगों के साथ बैठकर खाना भी तमाशा फरमाते थे, सुभान, डिस्कशन भी करते थे और गुफ्तगू भी फरमाते थे। जब उस मजलिस में किसी ने जाकर कुछ ऐसी बातें की तो आपने मसावात इंसानी का और मसावात मुस्लिम के बहुत खूबसूरत अल्फाज अदा फरमाए, अल्लाहू अकबर, आपने फरमाया कि ये सारे आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, अल्लाहू अकबर, इनकी वालदा अम्मा हव्वा है, अल्लाहू अकबर, हम सारे इंसान हैं, अगर हमारे अंदर कोई इम्तियाज का बायस है वो तो बुनियादी तौर पर होता है तकवा, ठीक, तो तकवा बुनियादी तौर पर वो क्राइटेरिया है। अगर जुनैद साहब यहाँ मैं एक जुमला कह लूँ, एक होती है फजीलत इजाफी, ठीक है, एक होती है फजीलत मेयारी। फजीलत इजाफी नसब की शक्ल में तो आपको हासिल थी जो हर सूरत रहती है, लेकिन आपने फजीलत मेयारी का बड़ा प्रचार किया। अच्छा, ये जो किरदार है फजीलत इजाफी और मेयारी जब कट्ठे होंगे तो इमाम अली रजा अलैहि सलाम, इमाम अली रजा साहब, बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई। अब जरा आइए आपकी शख्सियत के और दीगर जो औसाफ महासिन है, और मैं चाहता हूँ इस बात को थोड़ा सा और खोलें। आज हमें कोई मनसब मिल जाए, मतलब बिला तमसील, विदाउट एनी कंपैरिजन, मैं सिर्फ एक समझाने के लिए बात अर्ज कर रहा हूँ, तो हम जो है हमें इख्तदार का हैज़ा हो जाता है, हमें जो है तफाखुर का हैज़ा हो जाता है, वहाँ तो नसबी फजीलत ऐसी हिसाब की जिनके सदक़े बख्शिश होनी है, लेकिन इंकिसार का आलम यह है कि इंसान अंगुश्त बदंदा रह जाए। बताइए, इमाम अली रजा बिन मूसा काजिम वो अजीम शान हस्ती हैं जिन्होंने अपने किरदार और गुफ्तार के साथ मखलूक को रब के साथ जोड़ा है, हाँ। उन्हें जब भी मौका मिला, गुफ्तगू के जरिए से मिला या अपने अमल के इजहार के जरिए से मिला, उन्होंने एक ही बात समझाई, लोगों जो कुछ है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, और जो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में मसरूफ हो गया वो जिंदगी में कामयाब हो गया। और आप बारहा फरमाया करते थे जो रब से डर गया मखलूक उससे डरना शुरू हो जाती है, और आपके किरदार के अंदर जो आजजी थी, इनकिसारी थी, लिल्लाहियत थी, वो वली अहद बनने के बाद भी खत्म नहीं हुई। यानी 20 साल का बड़ा अरसा आपने जो है ना वो महल्लात के अंदर गुजारा है, लेकिन वहां भी आप कालीन नहीं बिछाया करते थे, बल्कि जब सर्दियां आती तो एक कंबल बिछा दिया करते थे, गर्मी आती तो चटाई बिछा दिया करते थे, और आप बताते थे के दीन वाले अगर दुनिया की मसनदों पर भी बैठ जाएं तो वो दीन वाले ही रहते हैं, उनके दिल से अल्लाह की मोहब्बत नहीं निकला करती है, उनकी रूह रब पे ऐसे फिदा होती है कि कोई चीज उनको जो है ना वो रब से दूर नहीं कर सकती है। अब देखें जो सिलसिला तो ज़हब जो अभी हमने उसको पढ़ा कि उसमें कौन कौन से बुजुर्ग हैं, उसमें भी जो हदीस है, यानी जब आप नेशापुर आए थे तो 20,000 उलमा खड़े थे और आपके चेहरा क्योंकि बहुत नूरानी था, आप हर लिहाज से अपने आप को छुपा के रखते थे, चेहरे पर पर्दा डला हुआ है, और 20,000 उलमा कह रहे हैं कि हुजूर चेहरे से पर्दा हटाइए, और वो सिलसिला तो ज़हब वाली हदीस तो सुनाइए ताकि हमारा दिल खुश हो जाए। जरा रुख से पर्दा तो अल्लाह अकबर, रुख से पर्दा हटता है, नूर की किरणें फूटती हैं, लबाए मुबारक को जुम्बिश होती है, रहमत के फूल झड़ते हैं, और आप कहते हैं मुझसे मेरे वालिद इमाम मूसा काजिम ने कहा, उनसे उनके वालिद इमाम जाफर सादिक ने कहा, उनसे उनके वालिद इमाम बाकिर ने कहा, उनसे उनके वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, उनसे उनके वालिद इमाम हुसैन ने कहा, और उनसे उनके वालिद हजरत अली मुर्तजा ने कहा, और उनसे मेरी आंखों का चैन रसूलुल्लाह ने कहा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात हजरत जिब्राइल ने कही कि ला इलाहा इल्लल्लाह, रब फरमाता है ये मेरा कला है, और जो इसमें दाखिल होगा वो मेरे अजाब से बच जाएगा। देखें वहां भी बात की तो रब की बात की, वहदानियत की, वहदानियत की बात की, रब से जुड़ने की बात की, हकीकी इंसानियत की बात की,
हकीकी मेराज की बात की और हकीकी में मार्फत की बात की। आज लोग क्या हैं, वो लोग अपने आप को ऐसे पेश करते हैं कि बीच में अल्लाह को भुला दिया जाता है। ना ना, हकीकत वो रब की जात है, रसूलुल्लाह की जात है। अगर हम अपने आप को बीच में रखेंगे और जब हमारे किरदार को फोला जाएगा और खोला जाएगा तो फिर नदामत से सर झुक जाएंगे। लेकिन आज अगर अपने आप को फरामोश करके तुम रब की तारीफ करोगे, रसूलुल्लाह की तारीफ करोगे, तो हजरत इमाम अली रजा ने हमें समझा दिया, फिर सदियां बीत जाने के बाद भी लाहौर में मजमा बैठा होगा और उनका तज़किरा कर रहा। अच्छा, इसमें देखें एक बात कि इमाम अली रजा अलैहि सलाम ने बुनियादी तौर पे हमें तो ये पैगाम दिया ना कि कुछ भी कर लेना, शिर्क ना करना, शिर्क ना करना, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह की वो शिर्क ना करना, शिर्क ना करना, तकब्बुर ना करना, अपने आप को बड़ा ना समझना, अपने इल्म के अंदर इतना मगन ना हो जाना कि तुम जमाने को हकीर जानने लग जाओ। कितनी बड़ी हस्ती है जो कहा करते थे लोगों जो कुछ है वो अल्लाह की जात है। एक ने कह दिया, वल्लाह खुदा की कसम खा के कहा कि जमाने में ए इमाम अली रजा तुमसे अफजल कोई नहीं। कहा कि कसम ना उठाओ, हो सकता कोई और तकवे वाला बड़ा हो, और तकवे की बुनियाद पर ही इज्जत मिला करती है। कितनी बड़ी आजजी है, कितनी बड़ी इनकिसारी है कि इतना बड़ा हस्बी नस्बी और इल्मी मकाम होने के बावजूद कोई देखता है तो सजदे में नजर आते हैं, कोई देखता है तो गिरिया कना नजर आते हैं, कोई देखता है तो कुरान की तिलावत में नजर आते हैं, कोई देखता है तो रब के खौफ में नजर आते हैं, कोई देखता है तो मखलूक की खिदमत करते नजर आते हैं। यही हकीकत में मार्फत है और यही हकीकत में इस्लाम है। और हुजूर की औलाद ने जो इस्लाम सिखाया, इसीलिए तो नबी पाक ने कहा कि कुरान को और मेरी औलाद को थाम लो, मेरे अहले बैत को थाम लो। उन्होंने बताया है कि आजजी क्या होती है। और ये बात पूरी दुनिया के नाज़रीन सुन लें, अहले बैत अतहार ने मोहब्बत सिखाई है, प्यार सिखाया है, वही दरबार जहां से इनके वालिदे गिरामी कदर को जो है वो शहीद किया गया। और जब इस्लाम की बात आई तो उसी दरबार में बैठ के दीन को फैलाने वाले बन गए। तो पता चला नफरत को फैलाने वाला अहले बैत वाला नहीं है, मोहब्बत को फैलाने वाला अहले बैत वाला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सलामत रहिए, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया आप तीनों अहबाब का, आप तशरीफ़ लाए। और वही बात नाज़रीन, आप देखिए कि इख्तदार के ऐवानों में ही आप तशरीफ़ फरमा थे ना, किसी भी वजह से थे, ज़ाहिर है मामून की जो सियासी चाल थी, लेकिन इख्तदार के ऐवानों में बैठने के बावजूद भी जो अपने अजदाद की लेगेसी थी उसको उसी अंदाज से टो किया, और जो मिशन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था वो उसी अंदाज से किया जैसे करने का हक़ था। किताब शिफा, भटके हुए को राह रास्त पर लाना, अगर कोई शख्स सीधे रास्ते से भटक जाए तो सूरत नाज़ियात की आयत नंबर 19 रोज़ाना 101 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके उस शख्स को पिलाएं, इंशाल्लाह हिदायत का रास्ता मिल जाएगा। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहि सलाम का कौल मुबारक है कि रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी और पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने से माल में बरकत होती है, दिल से तकब्बुर दूर होता है और इंसान के अंदर आजजी पैदा होती है। रोज़नामा 92 न्यूज़ में इमाम अली रज़ा अलैहि सलाम के हवाले से आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा, एक्स पे हमें फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करके, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए। मुल्क के मुमताज़ सनाखा जनाब हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब आपको खुश आमदेद, अस्सलाम वालेकुम, मनकबत का नजराना आपसे पेश करवाएंगे। जाते जाते तजदीद अहद वफ़ा, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदैही व वलदैही व नासि अजमईन। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का, पाकिस्तान का, उम्मत मुस्लिमा का, खास तौर पर गजा के रहने वालों के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर, आमीन। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली रज़ा है इफ्तिखार आले पयंबर, अली रज़ा नैयर अनवर अली रज़ा, मौला अली के नैयर अनवर अली रज़ा, उनकी रगों में नूर शहे दो जहां
रगो में नूर शहे दो जगान है औलिया के कायदो दिलबर अली रजा बेहतरो बरतर अली रजा अहले हरम में बेहतरो बरतर अली रजा मशहद को उनकी जात ने तकदीस की अता उनकी जात ने तकदीस की अता देते हैं अब भी फैज के गोहर अली रजा मशहद में एक बार साजिद को भी बुलाइए मशहद में एक बार देता सदा गदा है बराबर अली रजा है इफ्तिखारे आले पैगंबर अली रजा।